गुड मॉर्निंग सुप्रभात। आज नवरात्रि का चौथा दिन है जिस दिन हम माँ कुष्मांगा की पूजा करते हैं। आपका स्वागत है टायर ट्रेल्स में। आज मैं अपने नए पड़ाव में आई हूँ। ये है गोपी तालाब, जहाँ पे कहते हैं कि श्री कृष्ण जब द्वारका के लिए निकल पड़े थे तो गोपियों को श्री कृष्ण के साथ जो वियोग हुआ वो उनसे सहा नहीं गया, तब वो यहाँ पे आए, यहाँ पे उनके साथ आखिरी रासलीला रचाई। और जब द्वारका के लिए श्री कृष्ण जी ने प्रस्थान किया तब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ सभी गोपियों को। तो जो मिट्टी है यहाँ की वो पीली बन गई, गोपी चंदन जिसे आज हम कहते हैं, और वो बहुत पावन मिट्टी है। आज भी आप अगर देखोगे तो यहाँ की मिट्टी पीली मिलती है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं, उस पीली मिट्टी को गोपी चंदन के तौर पे लेते हैं और उसका पूजन में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि गोपी तालाब है क्या। ये गोपी कृष्ण मंदिर है, यहाँ पे रास रचाते हुए गोपियों के साथ।
अभी हम आए हैं राधा कृष्ण और अष्ट गोपियों के मंदिर में, तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी, इस मंदिर की जानकारी लेंगे, और जो राधा कृष्ण मंदिर है उसकी भी एक जानकारी लेंगे, और जो तालाब है गोपी तालाब उसके बारे में पूछेंगे। यहाँ जो पंडित जी हैं वो हमें थोड़ी बहुत जानकारी देंगे ताकि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा सके। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। पंडित जी, गोपी तालाब का क्या महत्व है? जब उनको यहाँ लूटा गया था और जो 16108 गोपियाँ थी, जो कृष्ण भगवान की पटरानी थी, उसको यहाँ मोक्ष दिया गया है। उससे एक कहावत है, समय बड़ा बलवान है, नई पुरुष बलवान, काबी अर्जुन लुटियो वही तनुष वही बान, वही यहीं का इतिहास है। और जो 16108 गोपियाँ उसने यहाँ जल समाधि ली, उसकी शरीर की बनी गई मिट्टी, वो मिट्टी सामने पड़ी है, उसको गोपी चंदन बोला जाता है। आयुर्वेदिक में उसका बहुत अच्छा योगदान है। गोपियाँ नहीं है, ये कृष्ण भगवान की पटरानी है। अच्छा। जो 8 पटरानी थी वो ये है। गोपियाँ तो 16100 थी, तो उसका तो हम मंदिर में नहीं रख सकते। सही बात है, इनका एक वो पटरानी है, इसलिए 8 जो गोपियाँ हैं उनको वहाँ पे ऐसे दिखाया गया है। गोपियाँ पटरानी की तरफ से। और इस तालाब में जो हम दान करते हैं या मछली डालते हैं, उसका मतलब वो दान करने के हिसाब से एक श्रद्धा है। किसी भी जीव है उसको निभाना हमारा फर्ज होता है। मछलियों को खाने के लिए तो कुछ होता नहीं है। हाँ। तो उसमें जो सेवार होती है, नील होती है, उसको खाती है ज़्यादातर, लेकिन लोगों की इतनी श्रद्धा है तो खुशी से वो मतलब मछलियों को खिलाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे मैंने एक देखा कि बहुत से मंदिरों के बाहर वो ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर रखे जाते हैं, वो सबकी अंधश्रद्धा है, वो उसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। अच्छा। जो हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादातर होती है कि इससे करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वो सलभ गलत बात मतलब है, कुछ ऐसी मान्यता नहीं, नहीं मानिए तो कुछ नहीं है वो, ऐसा सब लोग बना जाते हैं। हमारे यहीं पे मंदिर पे कभी कभी बना जाता है, तो वो लोग समझते हैं कि एक पत्थर के ऊपर जितना पत्थर रखते जाएंगे तो हमारी बिल्डिंग उतनी बड़ी बनेगी। अच्छा, मतलब एक तरीके की अंधश्रद्धा है। तो अंधश्रद्धा है, नहीं श्रद्धा नहीं, श्रद्धा भगवान के ऊपर रखो, जो करेगा वो ही करेगा, हमसे कुछ नहीं हो सकता है। सही बात है। तो मैंने बहुत जगह पे देखा, तो मैंने सोचा अभी आपको पूछूं, क्योंकि वहाँ से वो जो पुराना मंदिर है राधा कृष्ण का, वहाँ से भी बाहर निकलते समय मैंने देखा कि पत्थर के ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे हुए। सही बात है, मुझे लगा शायद यहाँ की कोई मान्यता होगी। वो अलग अलग श्रद्धा होती है, अलग अलग मान्यता होती है, लेकिन सही वो नहीं है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सबकी श्रद्धा है, श्रद्धा फल भी जाती है, श्रद्धा रखते हैं तो फल जाती है, कभी कभी ईश्वर दे भी देते हैं कुछ भी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो मांगोगे वैसे सच्चे दिल से मांगो, दिल से मांगो, ईश्वर के पास मांगो, तो वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, जब हम देखो मंदिर की पूजा आरती करते, भगवान हमको दे देते, हमें किसी के का पैसा मांगा नहीं, हम किसी को नहीं बोलते कि ये करो ये करो ये करो, ये हमारी ईमानदारी है। सच्चे मन से करो तो भगवान झूठ बोल के पैसा नहीं लेते कभी किसी के पास। देना है तो वो देगा, वो रोटी देगा तो खाएंगे, न वो देने वाला है, सच्ची श्रद्धा वही है हमारी। धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने ये भी देखा यहाँ पे अंधश्रद्धा भी है लोगों के बीच में, तो जैसे पंडित जी ने कहा कि श्रद्धा रखो, अंधश्रद्धा मत रखो, भगवान देने वाला है, आप कुछ करो या ना करो, सच्चे मन से श्रद्धा उन पे रखो, आपकी आस्था रखो, वो वैसे भी दे देंगे। तो ये जो पत्थर रखने की प्रथा मैंने देखी यहाँ पे, तो वो सिर्फ लोगों का अंधविश्वास कहते हैं, तो वो करने से अच्छा आप जो कर्म करते हो सच्चे दिल से अच्छे मन से करो और श्रद्धा भगवान पे रखो, अपने आप आपको सब मिलेगा। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें एक राह दिखाई कि अंधश्रद्धा रखने से अच्छा आप सच्चे दिल से श्रद्धा रखो, सब मिल जाएगा। सही बात, धन्यवाद। अभी मेरी बात सुनो, इतना आए हैं कहाँ से आते हो? मुंबई से। चाय पी के जाओ, उसके बिना नहीं जाए, हमारा दंड है ये, और हमारा गांव में हमारी दादागिरी चलेगी, समझ गए ना? तो ठीक है, प्रेम से बोलते हैं, चाय पी के जाओ। पक्का पक्का। रामेश्वर से लाया है। अच्छा, राम से मंगवाया था, राम से तो वहीं से मंगवाया था हमने। वो कौन सी और कौन सा पत्थर है, क्या पत्थर है, भी हमको भी पता नहीं उसके बारे में। राम जब लिखा गया तो अगर वहाँ का है तो फिर सवाल ही नहीं है। वो भी पूरा विश्वास से नहीं कह सकते वही पत्थर है, वो भी हम नहीं कह सकते हैं कौन सा पत्थर, ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन तत्ता पत्थर हमने मंगवाया था, जो आया है तो हमने पानी में रखा है।
कब से है यहाँ पे? ये हमारे साथ 4-5 साल हो गया। तो एक बार भी नीचे नहीं गए? नहीं, कभी कभी चला जाता है, मीठा पानी है ना, इसलिए खारा पानी में नहीं जाता है, मीठा पानी में चला जाता है। गोपी तालाब के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मन प्रसन्न हुआ। और राधा कृष्ण और अष्ट गोपियों गोपियाँ मंदिर जो था वहाँ पे जब दर्शन किया तब पता चला कि वो जो गोपियाँ हैं, 8 गोपियाँ, 8 गोपियाँ जिसे कहते हैं, वो उनकी 8 पटरानियाँ थी। और अब हम चल रहे हैं बेट द्वारका की तरफ, अगला पड़ाव है। पर ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत चमत्कार हो जाते हैं। मतलब मैं सोच रही थी कि गोपी चंदन जो यहाँ से जो पीली मिट्टी है, जो गोपियों के देह त्याग के बाद जो मिट्टी बनी है पीली, वो लूँ पूजा के लिए। उसका आयुर्वेद में भी बहुत महत्व है, तो वो सोच रही थी कि ले लूँ। जब मैं मंदिर में पहुँची तो बिना मांगे मुझे खुद प्रसाद के रूप में गोपी चंदन मिल गया। मतलब चमत्कार का भंडार है। अगर आप सच्चे दिल से चाहो तो हर चीज़, आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। तो शायद से मतलब ऐसे कुछ तंत्र मंत्र करना या कुछ करना, विधि विधान करना ज़रूरी नहीं होता। आप सच्चे दिल से जो मांगोगे वो आपको भगवान दे ही देते हैं। मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि यात्रा निर्विघ्न हो तरीके से चल रही है। मतलब छोटे मोटे विघ्न तो आते ही रहते हैं, वो ना आए तो फिर यात्रा का मज़ा ही नहीं है। अब चल रहे हैं हम बेट द्वारका की तरफ, मिलेंगे बेट द्वारका में।